जो पूर्व में श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, वो आज हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने नवीश जी कहा भाई है नहीं, चलो कर महामंत्री श्री संदीप जैन जी उनका स्वागत करेंगे। और बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे अन्य समाजों का, अन्य संगठनों का बहुत सहयोग इस दीक्षा कार्यक्रम में रहा। एक ऐसी सेवा, चरण पादुका की सेवा, जिनका जो एक संघ है, ट्रस्ट है, कराने वाला श्याम, बुलाने वाला श्याम, सेवा ट्रस्ट, उन्होंने यहाँ पर सारी ये जो चरण पादुका की सेवा है उसको किया है। और उन्होंने बड़े निःशुल्क, जहाँ भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, निःशुल्क सेवा करते हैं। उनके श्री देवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं कोषाध्यक्ष श्री महेश जी से कहूँगा कि उनका स्वागत करें। महेश जी, देवेंद्र शर्मा जी का, देवेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें कर दो। और एक प्रतीक चिन्ह श्री ओम प्रकाश जय, श्री ओम प्रकाश जी पानीपत से आए हैं, उनके स्वागत के लिए बुला रहा हूँ। श्री ओम प्रकाश जी पानीपत से आए। संदीप जी आप स्वागत करो, कोई बात नहीं। हाँ ओम प्रकाश जी, लाओ बट जल्दी से फटाफट कुछ करना है तो। हो गया। एक बार जोर से जयकारा बोल महावीर भगवान की। बंधुओं भैया, जयकारे में मजा नहीं आता, जोर से बस, अब कुछ ही देर की बात है। बोल महावीर भगवान की। और अब मैं दोनों साध्वी महाराज साहब, जो साध्वी वो मंच के अपना स्थान लेंगी, और दूसरे दोनों के आने के बाद में कार्यक्रम रहेगा। बैठो, उनको आने दो, उसके बाद फिर दो इकट्ठा करवा लेंगे, बैठा लेंगे। हाँ बोलिए। जय श्री चलनी महाराज साहब, मेरे स्वामी की। हाँ, आज इन काहिर का मन ही संयम पथ पर चलना, काहिर का मन ही है धन्य सतवार तुम्हें छोड़ा घर धाम यही है धन्य सतवार तुम्हें छोड़ा घर धाम यही संयम पथ पर चलना, कायर का मन ही संयम पथ पर चलना, कायर का मन ही। और दोनों बैरागन बहने और भव्य जैन भी आप सबके समक्ष क्या कर रही है, उपस्थित हो रही है। और सभी महासतियाँ जी जो उनके साथ में हैं, और जो इनके साथ में रहने वाली हैं, दो तीन साध्वियाँ यहाँ पर रहें, और सब अपने मंच की ओर आगे बढ़ें। हाँ, दो तीन साध्वियाँ यहाँ पर रहें और सारी साध्वियाँ मंच की तरफ पधारें। हाँ, सभी बहनें वहीं पर बैठ जाएं आराम से, कोई खड़े नहीं रहेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, जो बीच में हैं सभी नीचे बैठ जाएंगे। हाँ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी,
संयम पथ पर चलना पायर का काम नहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं। है धन्य सतबार तुम्हें छोड़ा घर धाम यही, कष्टों में भी हंस कर पथ पर बढ़ते पथ पर बढ़ते रहना। तूफान भले आए संकट से ना डरना, तूफान भले आए संकट से ना डरना, पाकर मंजिल अपनी करना विश्राम वही, पाकर मंजिल अपनी करना विश्राम वही, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं। इन दोनों वैराग्य गति जो दीक्षा के महापथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हम क्या शुभकामना करना है, उस शुभकामना को आप सभी ध्यान से क्या करेंगे सुनेंगे। संयम आराधना से जीवन को विकसाना, संयम आराधना से जीवन को विकसाना, कर्म का छाया करके अक्षय पद को पाना, कर्म का छाया करके अक्षय पद को पाना, है सार ये सुख का दुख का फिर नाम नहीं, है सार ये सुख का दुख का फिर नाम नहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं। है धन्य सतबार तुम्हें छोड़ा धर धाम यही, संभावो मेरा कर भव चक्र मिटा देना, संभावो मेरा कर भव चक्र मिटा देना, सहकर परिषा पूरे आत्म शुद्ध कर लेना, सहकार परिषा पूरे आत्म शुद्ध कर लेना,
तप संयम में रहना करना राम नहीं तप संयम में करना राम नहीं संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं। बोले भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य उपवर्वर्तक डॉक्टर श्री पूज्य श्री सुवर्त मुनि जी महाराज साहब की पावन चरण कमलों में सशत वंदन करने के पश्चात समादरणीय महासाध्वियाँ जी और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों भाइयों और बहनों, आज ये मौजपुर के इस कल्याण मंडप के अंदर भव्य जैन और आरजू जैन ये जैन भागवती महादीक्षा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही। अब कुछ ही क्षणों के अंदर आपके समक्ष इन दोनों साध्वियों को छोटी दीक्षा का जो पाठ जिसको हम सामायिक कहते हैं, प्रभु परमात्मा महावीर ने जैन साधना पद्धति की जो सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधना है, जैन साधना पद्धति की कोई आराधना है तो वह है सामायिक की साधना। जब तक जीवन में सामायिक की साधना नहीं होगी तब तक इंसान से महान और महान से भगवान क्या कर सकता बननी। आप लोगों ने पढ़ा है सुना है जैन धर्म में चार संप्रदाय माने, चाहे वो दिगंबर हो श्वेतांबर हो तेरापंथी हो और स्थानक वासी हो, और इन चारों संप्रदाय की मान्यता में क्या है थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता, लेकिन किसी में पूजा का वर्णन है और किसी में पूजा का वर्णन नहीं है, लेकिन वो चारों संप्रदाय में जो सामायिक का वर्णन है और किसी में भी क्या है, जहां पर सामायिक की साधना चारों संप्रदाय में एक क्या किया है माना। इसलिए आज ये दोनों बहन वो सामायिक की साधना के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है तैयार। आप लोग जानते हैं जब एक कोई आर्मी जब कोई सैनिक अगर जब भर्ती होता है जब सैनिक में जाकर के भर्ती होता है उसको सैनिक के भेष क्या किया जाता है पहनाया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि भाई तुझे देश की समाज की और राष्ट्र की तुझे क्या करनी है सेवा करनी। और जहां पर युद्ध आता है अब उस युद्ध के लिए उन आर्मी को क्या किया जाता है भेजा जाता है कि जाओ तुम उस सीमा में जाकर के उन आतंकियों से तुम और लोहा लेना। लेकिन जब वो आर्मी जब युद्ध के लिए जब चला जाता है और वहां जाने के बाद अगर समझ लो उस युद्ध में से अगर विजय प्राप्त ना करके अगर समरांगन से अगर हार कर जाता है वो सैनिक कभी महान क्या किया जाता है माना नहीं जाता। लेकिन वही सैनिक महान होता है वही आर्मी महान होता है जो समरांगन में जा करके अपने आप को मौत के मुंह के अंदर क्या कर देता है डाल देता है। और वही आर्मी दुनिया के लिए पूजनीय बनता है दुनिया के लिए आदरणीय बनता है, लेकिन जो वहां से हार करके समरांगन से भाग करके आता है उसको कोई दुनिया में याद क्या ही नहीं करता। लेकिन आज ये दोनों बहनें भी वो समरांगन के अंदर वो युद्ध के लिए क्या है तैयार हुई।
किसके लिए युद्ध, यहाँ पर 8 कर्मों से युद्ध करने के लिए। जो हमारी आत्मा अनादि काल से संसार में भटक रही है और उन कर्मों के साथ में युद्ध करने के लिए वो संयम के महापथ के ऊपर आगे क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर कहते हैं, पर उन्होंने 4 गति बतलाई है। उन 4 गतियों में बतलाना, क्या नरक में रहने वाले जीव नारक की दीक्षा ले सकते, क्या देवलोक के अंदर रहने वाले वो देवी देवता क्या दीक्षा ले सकते, या जो पशु जगत में रहने वाले पशु और पक्षी क्या दीक्षा ले सकते। लेकिन अगर दीक्षा लेने की ताकतें किसमें है, एक मानव में है, एक मानव ही दीक्षा के महापथ के ऊपर क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। और आज ये दोनों बहनें भी उसी पथ के ऊपर आगे क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। और हम इनके लिए ही मंगल कामना करते हैं, यही भावना भाते हैं। और जैसे आपने दीक्षा के महापथ के ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो भावना बनाई है, और ऐसे ही आपको उस युद्ध के अंदर, उस संयमी जीवन के अंदर, वो कर्मों से लड़ने के लिए अपने आप को आगे क्या करना है, बढ़ाना है। और अपने समाज का और अपने गुरु परंपरा का और अपने गुरुनी का नाम रोशन क्या है करना है। और मैं यही शुभकामनाएं और इन दोनों आरजू और भव्या जैन को मैं क्या करता हूं, देता हूं। और अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में 2 लाइन सब क्या करेंगे, सुनेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अभी आपके सामने परम पूज्य राष्ट्र संघ युवा प्रग शास्त्री श्रद्धे श्री सुव्रतमणि जी महाराज साहब, दोनों विरागण बहनें जो साध्वी प्रवेश में आपके सामने उपस्थित हो चुकी हैं, अभी कुछ ही पलों के अंदर दीक्षा पाठ प्रदान करेंगे। महाराज साहब दीक्षा पाठ प्रदान करें इससे पूर्व मैं चाहूँगा कि दोनों विरागण बहनें जो साध्वी प्रवेश में हैं, यहीं पाटे के पर खड़े होकर के 3 बार वंदन करेंगी पूज्य महाराज साहब को। इसी के पर खड़े होकर के तिखु तो आयाहिनम प्याहिनम करे मी वंदामी, सम्माने मी कल्याणम मंगलम देया। तिखु तो आयाहिनम प्याहिनम करे मी वंदामी, सकारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम चेयम पजवा साई मते वंदामी। तीखु तो बोलो आप सब भी कर लें, वंदामी। करना है
अगर संसार तेरे ना है। ये साध्वी जी महाराज से मैं कहूँगा कि अभी वो किसी बहन को बुलाए ना यहाँ, इशारे विशारे ना करें और ध्यान से सुने। अगर यही अनुशासन भंग करेंगे तो दूसरे क्या अनुशासन रखेंगे। थोड़ी देर के लिए शांति रखें भैया, इधर से उधर करे जाएंगे, क्या फायदा बोल दूसरों को मौन कराने का। रख दो यहाँ, हम अपने आप ले लेंगे, हम रख दो। ये साध्वी जो साध्वियों की तरफ पीठ करे बैठी है, ये या तो इधर आ जाए साध्वियों के पास, या इधर साधुओं की तरफ मुंह करे। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ साध्वियों। सकल शास्त्र के जिनने जीता दुर्धर काम, भवजाला माला पीड़ित हित बनकर आए जलधर श्याम, जनमानस के कमल खिल गए देख रवि दाम, नमस्कार स्वीकार करो हे आचार्य देव श्री आत्माराम, नमस्कार स्वीकार करो हे आचार्य देव श्री आत्माराम, जिनका सौभाग्य की बात है कि हमें ये मानव जीवन मिला और ये शुभ दिन हमारे जीवन में आया, जो हमें इन दो मुमुक्षु बहनों की दीक्षा की साक्षी का बनने का सौभाग्य आप सबको हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर एक बात कहते हैं, चतारी परमंगानी दुल्लहानी ये जंतुनो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मी ये वीरियम।
भगवान ने कहा कि मानव जीवन पाने के बाद भी उसमें चार बातों का मिलना ये बड़ा दुर्लभ है। हाँ जी, ध्यान से सुने, ये आपके मतलब की भी बात है। भगवान ने कहा कि चार चीजों का मिलना जीवन में बड़ा दुर्लभ है। उसमें भगवान ने कहा कि मानव जीवन पाने के बाद ही उसमें मानवता का आना। मानव जीवन तो पा लिया, मगर मानवता क्या है? मानवता है दूसरों के दुख दूर करने के लिए और सुख का मार्ग उन्हें दिखाने के लिए, बताने के लिए तत्पर होना, ये मानवता है। तो आप सब भी इस अपेक्षा से भाग्यशाली है कि आपको ये अवसर मिला है कि आप किसी के दुख दूर कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला करके, प्यासे को पानी पिला करके और किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे करके आप अपना सुख का रास्ता साफ बना सकते हैं। और सुनो, दूसरी बात भगवान ने कही कि मानवता आने के बाद भी उसमें गुरुओं की, भगवान की वाणी का सुनना ये और भी दुर्लभ है। तो इस अपेक्षा से भी आप सब सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये संतों के मुखारविंद से भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुनने से क्या होता है? वापस कहते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, बड़े बड़े शैतान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। प्रबंधकों का ये कार्य है कि वो किसी को आगे ना आने दे। हाँ जी प्रधान जी, कोई भी आए उसको आगे ना आने दे, वहीं बैठा दें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। दीक्षा देखने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए आए हैं तो सुने, अगर अपने आप को दिखाने के लिए आए तो वहीं से दिखा दें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा जो दुर्लभ तत्व है, अंग है, वो है महापुरुषों की वाणी का सुनना। तो इन दोनों बहनों ने अपनी अपनी गुणी से भगवान की वाणी सुनी, इनके अंदर जागृति आई और इन्होंने दुनियावी मोह माया से अपने आप को अलग करने का निश्चय कर लिया। तीसरा अंग भगवान कहते हैं कि सुने हुए पर श्रद्धा करना, ये और भी ज्यादा क्या है, मुश्किल है। सुने हुए पर श्रद्धा करना ये और भी ज्यादा मुश्किल है, मगर इनके अंदर और दृढ़ता आई और इन्होंने वाणी सुन करके उस पर अपनी श्रद्धा को अटल बना लिया। चौथा अंग भगवान ने कहा कि सुन लेना भी आसान है, श्रद्धा करना भी आसान है, मगर उसे अपने जीवन में उतारना ये और भी ज्यादा क्या है, कठिन है। मगर इन्होंने अपने संकल्प को और सुदृढ़ बनाया और जीवन में संयम को धारण करने का संकल्प कर लिया और उसी संकल्प की पूर्ति के लिए ये सन्नद्ध हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ही शुभ कर्म किए थे, तभी इनके जीवन में ये सारे अंग, सारी बातें सुलभ हो गई हैं। तो ऐसे इन दोनों बहनें आरजू जैन और भव्या जैन अब संयम के पथ पर आगे बढ़ने को तत्पर हैं। और संयम क्या है? संयम है स्वयं के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण करना, अनुशासन करना। क्योंकि दूसरों पर अनुशासन करना,
दूसरों पर नियंत्रण करना तो आसान होता है, मगर अपने आप पर अपना अनुशासन करना ये सबसे कठिन काम है। तो ये इस कठिन काम को करने के लिए तैयार है, वो घड़ी देना है, ये उस कठिन काम को करने को तैयार है, घड़ी दे देना उसे। हाँ जी, दो बजे, हाँ घड़ी दे दो, यहाँ रख दो जरा, कोई बात। हाँ, ये बहने जो है दीक्षा लेने के लिए तत्पर हैं, और जिन्होंने इन बहनों को तैयार किया वो है आरजू की प्रेरिका और निर्देशिका है साध्वी प्रियंका जी महाराज, और इसी तरह भव्या जैन की जो प्रेरिका है निर्देशिका है वो है साध्वी वंदना जैन। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम इन दोनों साध्वियों का भी अभिनंदन करते हैं और इन्हें आदर की चादर भेंट करना चाहते हैं। तो साध्वी, हाँ जी, डॉक्टर सरिता जी महाराज, दो साध्वियों को भेज दो, इनको चादर उड़ा देंगे। हाँ जी, प्रियंका जी महाराज,
सत्कारे मी सम्माने मी कल मंगलम देवियं जयियं वज्वासामिवा देवंदामी तिखुतो आयाहिनां पयाहि तारे मी वंदामी नामं सामी सत्कारे मी सम्माने मी कल मंगलम देवियं जयियं अज्वा स्वामी मथिर वंदामी तिखुतो आयाहिनां पयाहि तारे मी वंदामी नामं स्वामी सत् जय अज्वा स्वामी मथिर। अब अरिहंतो महदो सम्यक सूत्र अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो सुगुरुणो किणपणत्तम तत्तम ये समत्तम मेघह्यम। आगे पंच इंद्रिय संवरणो तह नवी है बम बचेर बुद्धि धरो चौवी है कसाय मुक्को इह अठारस गुणेहीन संयुक्तो पंच महवे जुत्तो पंच विहार पालन समर्थो पंच समयो तीगुत्तो छत्तीस गुणो गुरु मध्यम। ये अगर कोई आपसे पूछे आपके गुरु में क्या विशेषता है तो आप बता सकते हो कि मेरे गुरु में मेरी गुरुनी में ये 36 गुण हैं। इसमें गुरु के गुणों का वर्णन किया गया है। अब आने जाने में जो जीवों की विराधना होती है दोष लगता है उसकी आलोचना इच्छा कारण के पाठ से करेंगे। इच्छा कारण संधि से भगवन ईड़िया वयम पड़िक मामी इच्छम इच्छामी बड़ी कमियों ईरिया वहियाए विराहनाए गमना गमने पाणक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणक धग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराहिया एक इंडिया दे इंडिया ते इंडिया चौर इंडिया पंच इंडिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्विया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवी आवो ववरोविया तस्मिच्छामी दुक्रम। अब जो है तसूत्री का पाठ पढ़ेंगे। तसूत्री करने नम पाचित करने नम विशोही करने नम विसल्ली करने नम पावानम कम्मानम निद्धाये नठाये ठामी काऊ सद्गम। अब जो है आंखें बंद करके दोनों हाथ ऐसे रख करके और लोगस का ध्यान करेंगे। मन मन में लोगस पढ़ेंगे। नमो अरियंताणं। लोगस बोल बोल करके पढ़ेंगे। लोगस उज्जयगरे धम तीर्थयरे जिने अरियंते पित्ती सम चौवी संपी क्या कर रही है समझ नहीं करती। इन और
उसम मजियन चवंदे नमी उसम मजियन चवंदे संभव अभिनंदन सुमयम च बोलो सुमयम च पौम पम सुपाशम विनम च वंदे सुविच उपदंतम शीयल सिज्जन वासुपूज्यं च विवल मनंतं च गिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंतुम आरंच मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं नमि गिणंच वंदामि विष्णेमिं पाशं ते वद्वाणं च एवं मये अवित्वा विहुई रमला पहीन जमाना चौवी संपी जिनवरा तिथे आरामे पश्यंतु कितिये वंदिय महिया जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर्म उत्तम जिंतु चंदेशु निम्मलरा आयचेशु अयम प्यासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दी संतु सिद्धा सिद्धिम मम दी संतु। अब जो है क्रेमी भंते का पाठ पढ़ेंगे। क्रेमी भंते सावज्जम क्रेमी भंते सामायम सावज्जम जोगम पचक खामी जावत नियम जाव जीवम तिविहम तिविहेनम मनेनम वायाए कायनम न करेमी न कार्वेमी कंतंपि अन्ने न समनुज्जानामी तस बन्ते परिकमामी निंदामी गरिहामी अपानम वोशिरामी। फिर बोलो क्रेमी भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामी यावत् जीवम तिविहम तिविहेनम न करेमी न कार्वेमी करन्तम्पि अन्नम न समनुज्जानामि तस् भन्ते परिकमामि निन्दामि गरिहामि अपानम् वोषिरामि। फिर एक बार क्रेमी भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामि यावत् जीवम तिविहम तिविहेनम मनेनम वायाए कायनम न करेमी न कार्वेमी करन्तम्पि अन्यम न समुज्जानामी तस् भन्ते परिकमामी निन्दामी गरिहामी अपानम वोषिरामी। अब जो है ये घुटना खड़ा करके और दोनों हाथ जोड़ करके घुटने पर रख करके नौथनम का पाठ पढ़ेंगी। नमोथनम हरियंताणम भगवंताणम आयग्राणम तिथेराणम संयम संबुद्धाणम कुरिशुष्माणम कुरिश्याणम कुरिश्वर पुण्रियाणम कुरिश्वर गंधत्तीणम लोगुतमाणम लोगनहाणम लोगियाणम लोगपयुवाणम लोगपयोग्राणम अभेदयाणम चक्षुदयाणम मगदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धमदयाणम धमदेशयाणम धमनायगाणम धमस्वारीणम धमवर्चौरम चकवटीणम दिवताणं शरणगई पैठाणं अपडी है वर्णांदन संधराणं व्यर्थमाणं विनाणं व्याव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं वोयाणं उत्ताणं मोयगाणं सौनूलं सौदर्शीणं
शिव मयन मरुया मणंत मक्खे वाम अपना वित्ती सिद्धि दीनाम भयम हानम संपत्तानम नमो दीनानम ये भयानम इस द्वारा नमुथन हरिहंतान भगवंतान हरिग्रहण इथेराण संयम संबुद्धान पुरुषुतमाण पुरुष्याण पुरुषवर पुण्यान पुरुषवर गंधत्न लौतमाण लौनाण लौघ्याण लौपयुवाण लौपयोग्रहण अभयद्याण चक्षुद्याण मध्याण षण्याण जीवद्याण बोहिद्याण धम द्याण धम देश्याण धम नायगाण धम सारीण धम वर्चौर चपटीण देवताण षण गैपैठाण अपनी है वर्णांदन संधनाण व्यर्षमाण दिनाण जाव्याण चिन्हाण कार्याण बुद्धाण वैयाण मुक्ताण मोगाण समनुन सौदर्शीण शिवमयल मरुय मणंत मख्य वमना सिद्धिजीना भियम हाण संपाव्यो कामाण नमो जिनाण दिए भयाण नमो जिनाण दिए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तो ये दोनों मुमुक्षु आत्माओं की दीक्षा संपन्न हो गई और इसमें जो आर्य जैन है भी अब तक अब उसका नाम रहेगा आमना नहीं जिनवाणी आमना श्री जिनवाणी महाराज साहब
अपना रास्ता। महाराज जी, अब हाँ जी, अब कहाँ पे